आगे कहते हैं, समस्त साकार वस्तु को मिथ्या समझो और जो निराकार है वह अचल है। इस तत्व का उपदेश प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म की संभावना मिट जाती है। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। समस्त साकार वस्तु को मिथ्या समझो। हुआ क्या? एक तरफ कहा गया है स्क्रिप्चर्स में, वेदांत में, एक तरफ कहा गया है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और दूसरी तरफ क्या कहा गया है, अहम ब्रह्मस्मि। और क्या कहा गया है इसके अलावा स्क्रिप्चर्स में, ओम इत्येतद् अक्षरम इदम सर्वम, मतलब कि जो ब्रह्म है, जो अक्षर है, वो ही सब कुछ है। तो अब इन दोनों में से क्या सच है? लोग कंफ्यूज हो गए, किसी ने इसको पकड़ लिया, किसी ने उसको पकड़ लिया, लेकिन समझा ही नहीं कि इसका मतलब क्या है। एक तरफ कहा जा रहा है कि जो ब्रह्म है वो सत्यम है, वो सत है, और जो जगत है वो मिथ्या है, वो सब माया है, और दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है कि जगत भी ब्रह्म ही है। तो अगर जगत मिथ्या है तो ब्रह्म भी मिथ्या हो गया। समझ गए? इसको बोलते हैं गलत तरीके से चीजों को समझना। तो बहुत लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया कि ब्रह्म भी मिथ्या है, ब्रह्म है ही नहीं, क्योंकि इसके बारे में तो किसी ने बात ही नहीं करी। साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में तो किसी ने बात ही नहीं करी आज तक पास्ट में। तो लोगों ने क्या कहा कि ब्रह्म नाम की कोई चीज है ही नहीं, ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा कोई तत्व है ही नहीं। जब जगत मिथ्या तो ब्रह्म भी मिथ्या, शून्यता, एम्प्टीनेस, जो बुद्धिज्म में गलती हुई है बहुत बड़ी। दे टॉक अबाउट एम्प्टीनेस, कि कहीं भी कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली है, ऐसा कोई सब्सटेंस है ही नहीं, ऐसी कोई रियलिटी है ही नहीं। अगर ये जगत मिथ्या तो वो भी मिथ्या, मतलब ये तीन अलग अलग मत है। एक क्या कहते हैं कि जगत ही सच है, भगवान और ये वो परमात्मा आत्मा ब्रह्म ये सब बेकार की बातें हैं। दीज काइंड ऑफ पीपल यू कैन कॉल देम एज मटीरियलिस्टिक। दूसरे क्या है जो कहेंगे, हाँ बस सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, बाकी ये सब असत है। तो वो क्या करेंगे, वो छोड़ छाड़ के भागेंगे, वो भगोड़े मिलेंगे आपको, डर करके भाग रहे हैं। जो मिथ्या है तो उसे डर के भाग क्यों रहे हो? और कभी समझा ही नहीं, जो मिथ्या है उससे डर करके क्यों भाग रहे हो? ब्रह्म सत्यम है। कौन है ब्रह्म? अहम ब्रह्म अस्मि। तो आप ब्रह्म हो, आप रियल हो। अगर दुनिया अनरियल है तो क्यों भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जहाँ जा रहे हो वो अनरियल नहीं है क्या? तो वो भी लोग नहीं समझ पाए। और क्या हुआ, लोगों ने इस तरीके से इक्वेशंस निकाली और कहा कि जगत भी मिथ्या है। समझ, ये तीसरा एक मत है, जगत भी मिथ्या है और ब्रह्म भी मिथ्या है, दोनों ही मिथ्या है। जबकि अब किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है इसको समझना पड़ेगा। यहां पर बड़े क्लियर तरीके से कहा गया है, समस्त साकार वस्तु को मिथ्या समझो। व्हाट डू वी मीन बाय मिथ्या? अगर यहां पर एक लकड़ी की टेबल पड़ी हुई है तो आप क्या कहोगे, यहां पर टेबल है या नहीं है? पूरी दुनिया ये कहेगी हाँ यहां पर टेबल है। टेबल को मैंने उल्टा कर दिया, अब क्या कहोगे? अब वो क्या बन गया? एक बॉक्स बन गया ना। जब सीधी रखी तो वो टेबल लग रही है, उल्टी कर दी तो वो अब वो क्या है? बॉक्स है। तो क्या बॉक्स सच है या टेबल सच है? क्या वो बॉक्स है या टेबल है? ना वो बॉक्स है ना वो टेबल है, वो लकड़ी है। तो मिथ्या क्या है? जो भी कुछ इस दुनिया के बारे में हम कह रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सब मिथ्या है। क्यों? क्योंकि है कुछ और, उसको हम बोल कुछ और रहे हैं। है लकड़ी, बोल टेबल रहे हैं। बोल टेबल रहे हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको टेबल समझ रहे हैं ये प्रॉब्लम। इस बॉडी को बॉडी बोल रहे हैं ये प्रॉब्लम नहीं है, बट खुद को बॉडी समझ रहे हैं ये प्रॉब्लम है। तो समस्त साकार वस्तु को मिथ्या समझो और जो निराकार है वह अचल है। अचल मतलब वो जो कहीं आता जाता नहीं है, जैसे लहरें आती जाती हैं। अगर इसको लहरों के एग्जांपल से आप समझो तो समस्त साकार वस्तु को, मतलब कि एक समुद्र में बुलबुले हैं, लहरें हैं, अलग अलग तरह की फॉर्म्स हैं, तो सबको मिथ्या समझो। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? जो उसकी फॉर्म्स हैं उसको हम अलग अलग नाम दे रहे हैं, लेकिन ये सब मिथ्या है, क्योंकि इसका अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है,
जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ पानी का है। लहर है तो लहर को छू के दिखाओ, लहर को देख करके दिखाओ। देखोगे तो पानी को देख रहे हो, छू रहे हो पानी को, छू रहे हो बोल लह रहे हो। अगर बोल रहे हो लहर के, ठीक है उसकी एक फॉर्म है, उसका नाम लहर है, विच इज ओके, बट पानी के बारे में आपको कुछ अथा पता ही नहीं है। ये प्रॉब्लम है, इसको अज्ञान बोलते हैं। तो यहां पर क्या है, एक साकार है और एक निराकार है। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का मतलब क्या, जगत मतलब क्या, जो नाम रूप है उसको जगत बोलते हैं। तो इसको आप मिथ्या समझो, बस सिर्फ समझना है, कुछ करना नहीं है। लोगों ने समझा नहीं, करना शुरू कर दिया। मिथ्या है तो या तो उसे डर करके भाग रहे हैं या उल्टी सीधी उसके बारे में बातें कर रहे हैं। सिर्फ समझ का खेल है और कुछ नहीं है। जैसे अपनी खुद की परछाई दिख रही है शीशे के अंदर, वो क्या कह रहे हैं उसको मिथ्या समझो। आप शीशे में नहीं हो, आप बाहर हो, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं अंदर हूं। और जो निराकार है वह अचल है, मतलब कि जो आकार है वो आते जाते हैं, लहरें आती जाती हैं, बनती है मिटती है, बड़ी है लहर, छोटी है लहर, अच्छी है लहर, बुरी है लहर, ये सब जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सब लहर से रिलेटेड है। पानी जो है वो अचल है, स्पेस मूव नहीं होता है, स्पेस में जो कुछ है वो सब मूव हो रहा है, स्पेस अचल है। इस तत्व का उपदेश प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म की संभावना मिट जाती है। अगर इसको हम अच्छे से समझ जाएं, ये जो तत्व है इसको एक्सपीरियंस कर लिया, इसका हमको बोध हो गया और पूरी तरह से हमको समझ आ गया, बारीकी से समझ आ गया, तो वहां पर पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं है। इसका लोगों ने क्या मतलब निकाला कि अच्छा पुनर्जन्म की संभावना नहीं है, मतलब कि इसका मतलब पुनर्जन्म होता है, अब पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि डीपली समझते नहीं है। यहां पर क्या कहा जा रहा है, पुनर्जन्म की संभावना मिट जाती है। सिर्फ संभावना ही है, संभावना मतलब संभाव, आप एक भाव के साथ में एक हो गए हो। भाव मतलब वो जो सच नहीं है, एक भावना है, ये मेरा पति है, ये आपका पति, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, ये एक भावना ही है बस और कुछ नहीं है। वो आपका पति नहीं है, वो एक बॉडी है जो कि इंस्ट्रूमेंट की जैसी है, जो बिल्कुल आपकी बॉडी के जैसी है, जो इन पांच एलिमेंट्स की बनी है। तो एक भावना ही तो है, मेरा पति है, इस भावना की वजह से आप सुखी और दुखी हो रहे हो। अगर ये भावना ना हो तो सुख दुख होना पॉसिबल ही नहीं है, वो बॉडी रहे मिटे क्या फर्क पड़ता है। मेरा पति ये क्या है, एक भावना ही तो है। तो ऐसे ही पुनर्जन्म ये कोई रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक भावना है, तो ये भावना मिट जाती है। संभावना मतलब भावना के साथ आप एक हुए पड़े हो। तो ये जो आप भावना से जुड़े हुए हो, ये भावना नष्ट हो जाती है, क्योंकि एक भावना ही तो थी ना। ये भावना किस पे टिकी हुई थी, क्योंकि मुझे ऐसी किसी रियलिटी के बारे में पता ही नहीं था, इस दुनिया को पता ही नहीं है कि हाँ ऐसी भी कोई रियलिटी है। चलो कुछ लोगों को पता भी है तो वो भी इसके बारे में कुछ का कुछ सोचते रहते हैं, कोई इसको अनंतनाद बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, और उसके बारे में कुछ सोचते रहते हैं कि हाँ मैं ये बॉडी हूं, ये अनंतनाद है जो मुझसे अलग है, अब ये एक रास्ता है, इस रास्ते पर चल करके मैं वहां जाऊंगा और वहां पर एक दरवाजा खुलेगा, वहां पर अंदर भगवान जी बैठे होंगे, ऐसा ऐसा लोग सोच रहे हैं। तो अगर कोई इसको रियलाइज कर भी लेता है, यहां तक पहुंच भी जाता है, तो स्क्रिप्चर्स क्या कह रहे हैं कि वो जो रियलिटी है, वो जो ब्रह्म है, वो ही आप हो। तो जब आदमी को ये समझ आ जाता है कि मैं वो ही हूं, जब तक ये समझ नहीं आया तब तक ये भावना नहीं मिटी। समझ कब तक नहीं आ सकता, जब तक इसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे, नहीं तो थ्योरेटिकली समझ रहे हो, समझते रहो हजारों सालों तक इन स्क्रिप्चर्स को, सब बेकार है, कचरा है, किसी काम का नहीं है। आप जितनी मर्जी गीता पढ़ लो, ये कर लो वो कर लो, जब तक कि आपने थ्योरेटिकली तो सब कुछ समझ लिया, पंडित बन सकते हो, कहीं पर बैठ करके इन मंत्रों को आप पढ़ सकते हो, उससे कुछ नहीं होगा। एक्सपीरियंस कर लिया लेकिन समझ ही नहीं आया, उससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस करके फिर हरकतें वही कर रहे हो जो करते आए हो, भावना कुछ और ही है। तो जब भावना पूरी तरह से मिट जाती है, कौन सी भावना, कि मैं ये बॉडी हूं, तो जैसे ही ये भावना मिटी तो पुनर्जन्म की संभावना मिट गई। लोगों के अंदर दो तरह की भावना है, अगर ये दोनों पूरी तरह से मिट जाए तो समझ जाओ कि अब आप इस पूरे खेल को समझ गए हो। वो क्या है, पहला ये कि मैं ये बॉडी हूं, दूसरा ये जैसे ही कोई स्पिरिचुअल पाथ पे आता है, थोड़े से पढ़ता है, गीता पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, तो क्या बोलने लग जाते हैं कि नहीं नहीं मैं ये बॉडी नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो जीव आत्मा हूं, अब मुझे अच्छे कर्म करने हैं तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म करूंगा तो मुझे नरक मिलेगा। आदमी वहां जाकर के फंस जाता है,
सिर्फ ये भावना मिथ्या नहीं है कि आप ये बॉडी हो, ये भी भावना मिथ्या है कि आप एक जीव हो। दोनों ही मिथ्या है। ये जीव जो भाव है आपका, ये किस पे टिका हुआ है? मेमोरी पे ही तो टिका हुआ है। वो मेमोरी किस पे टिकी हुई है? इस बॉडी पे टिकी हुई है। तो जब आप बॉडी नहीं हो तो उसके अंदर जो मेमोरी पड़ी हुई है वो आप कैसे हो सकते हो? समझे? जीव क्या है? मेमोरी है जो पड़ी हुई है। मेमोरी को निकाल दो, कहाँ है जीव? कहाँ है ये कॉन्सेप्ट्स? कहाँ है स्वर्ग नर्क? कहाँ है कि मेरा पुनर्जन्म होगा? ये सारा कुछ मेमोरी में पड़ा हुआ है। ये मेमोरी कहाँ पड़ी हुई है? इस बॉडी में पड़ी हुई है। तो अगर आप ये बॉडी ही नहीं हो तो इस बॉडी में पड़ी हुई मेमोरी आप कैसे हो सकते हो? मेमोरी इज इनर्ट। जैसे हार्ड डिस्क इनर्ट है, ऐसे ही हार्ड डिस्क में जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है वो भी इनर्ट है। एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है, एक सूक्ष्म है, एक स्थूल है। लेकिन स्थूल भी मिथ्या है, सूक्ष्म भी मिथ्या है। दोनों का जो सोर्स है वो मैं हूं, और जो सोर्स है वो अनटच्ड है इन दोनों से। इस तत्व का उपदेश प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म की संभावना मिट जाती है, पूरी तरह से मिट जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पुनर्जन्म होने वाला था अगर आप ये नहीं समझते तो, या फिर इस साउंड ऑफ साइलेंस को रियलाइज नहीं करते तो अब आपको एक दूसरी बॉडी मिलती, वहां पर आप पैदा होते अपने कर्मों के हिसाब से। सब मिथ्या है। पुनर्जन्म सिर्फ एक भाव है, नॉट ए रियलिटी। इट इज जस्ट अ थॉट। मतलब कि थॉट पे जो भी कुछ टिका हुआ था, जो भी आप सोच रहे थे कि मैं बंधन में हूं, मुझे मुक्त होना है, पहले मैं ये था, इस बॉडी से पहले मेरे पास में वो बॉडी थी, अब मैं उस घर में था, अब मेरा इसके बाद में ये होगा, मैंने बड़े बुरे कर्म करे हैं, अब मुझे जानवर की योनियां मिलेंगी, ये इतनी सारी योनियां होती हैं, सब इमेजिनेशंस हैं जो थॉट पे टिकी है, सब ढह जाता है। तो ये संभावना मिट जाती है। पुनर्जन्म का मतलब क्या है? रीबर्थ। रीबर्थ होने के लिए डेथ होना जरूरी है। तो जब मेरी डेथ हो ही नहीं सकती तो बर्थ कैसे होगा? जिसकी डेथ नहीं हो सकती, अगर डेथ झूठ तो बर्थ भी झूठ, बर्थ झूठ तो रीबर्थ भी झूठ। सब कुछ ढह जाता है, सारा झूठ हमारे सामने खुल जाता है। फिर हमें हंसी आती है, अब कैसे डरोगे? चाहोगे भी तो कैसे डरोगे? डरो, मैं पैदा हुआ हूं तो मैं मरू ना। जो कुछ दिखता है वो पैदा होता है, मरता है, लेकिन जो दिखता है क्या वो पैदा होता है, वो मरता है? जो दिखता है वो बदलता है, लेकिन क्या जो देखता है वो बदलता है? क्या किसी को भी देखने वाले के बदलने का एक्सपीरियंस होता है? उसकी आई साइट खराब होती है एज के साथ साथ में, साइट खराब होती है क्या? साइट खराब नहीं होती, आई साइट खराब होती है, मतलब आईज खराब हो रही है, साइट खराब नहीं हो रही है। किसी को भी अपने बूढ़े होने का एक्सपीरियंस नहीं होता है, किसी को भी अपने मरने का एक्सपीरियंस नहीं होता है, किसी को भी अपने पैदा होने का एक्सपीरियंस नहीं होता है। सिर्फ एक भावना है, आपको बता दिया जाता है और आप वैसी भावना बना लेते हो। सिर्फ एक भावना है। ऐसे ही पुनर्जन्म सिर्फ एक भावना है। मैं पैदा हुआ हूं, ये सिर्फ एक भावना है। बॉडी पैदा हुई है, हाँ ठीक है, इंस्ट्रूमेंट पैदा हुआ है, हाँ ठीक है, मैं पैदा हुआ हूं, मैं मतलब क्या? कॉन्शियसनेस पैदा हो रही है क्या? तो सिर्फ यही भावना नहीं मिटती है पुनर्जन्म की, सारी भावनाएं मिट जाती है। इसको नोशंस बोलते हैं, दीज आर रॉन्ग नोशंस। तो सारे जो नोशंस हैं ये सिर्फ नोशंस हैं। नोशंस में और रियलिटी में फर्क क्या है? रियलिटी यही है, हमारे सामने है, जो है वो रियलिटी है, जो हमारे एक्सपीरियंस में है वो एक रियलिटी है, जिसको हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है फिर भी मान रहे हैं वो सब नोशंस है। हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है, बस किसी से सुन लिया है कि हाँ उसका रीबर्थ हुआ था, तो सिर्फ सुना है। वो जो बोल रहा है अपने रीबर्थ के बारे में, वो किस बेस पर बोल रहा है, उसके पीछे उसका क्या मोटिव है, वो हमें नहीं पता है, बस हम मान रहे हैं।
मीडिया ने किसी आदमी के बारे में कुछ बोल दिया तो मान रहे हैं कि हाँ वो बहुत बुरा आदमी है, हमें पता नहीं है। मीडिया ने एक इमेज बना दी किसी आदमी की, ये बड़ा अच्छा पॉलिटिशियन है, तो मान रहे हैं कि हाँ वो एक बहुत अच्छा पॉलिटिशियन है, तो मान रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंस से मान रहे हैं। ऐसे मान रहे हैं जैसे हमें पता है, पता नहीं है, सिर्फ एक नोशन है, उस नोशन को पकड़ करके हम एक्साइटेड हो रहे हैं। ऐसे ये नोशंस हैं जो सब हमारे दिमाग के अंदर भर दिए गए हैं, तरह तरह के नोशंस, तो सारे नोशंस टूट जाते हैं जैसे ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। जैसे ही हमें समझ आ जाता है कि मैं कौन हूँ, तो वहाँ पर पैदा होना, मरना, बदलना सब ढह जाता, सिर्फ पीसफुल एग्जिस्टेंस जो है मेरी वो बची रह जाती है, अनटच्ड बाय एवरीथिंग एंड ऑल नोशंस, ऑल आइडियाज, ऑल कॉन्सेप्ट्स, फ्री फ्रॉम एवरीथिंग।